दशहरा पर निबंध। दशहरा का पर्व भारत के महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। यह त्यौहार भारत के अलग अलग हिस्सों में भिन्न तरीके से मनाया जाता है, लेकिन उद्देश्य केवल एक ही है, अच्छाई की बुराई पर जीत। दशहरा नवरात्रि और रामलीला का अंतिम चरण और दिवाली की खुशी का आरंभ माना जाता है। इस दिन स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थानों में अवकाश रहता है। भारत के पूर्वी हिस्से में, खास तौर पे पश्चिम बंगाल में, यह पर्व दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। 9 दिनों तक पूजा करने के बाद 10वें दिन माता दुर्गा की प्रतिमा को धूमधाम से पानी में विसर्जित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि दुर्गा माँ भैंसे रूपी असुर का विनाश करने और लोगों का धर्म में विश्वास कायम रखने आती है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा साल का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। उत्तर भारत में यह पर्व रामलीला, जो रामायण पर आधारित एक नाटक है, के अंतिम पड़ाव के रूप में देखा जाता है। इस दिन असुर, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। एक धारणा के अनुसार इसी दिन भगवान राम ने रावण का वध कर सीता माता को आजाद करवाया था, इसीलिए इस त्योहार का दूसरा नाम विजयदशमी भी है। ऐसी धारणा है कि इन पुतलों के साथ सारे पाप और क्लेश भी जलकर राख हो जाते हैं। भारत के दक्षिणी हिस्से में यह त्योहार सरस्वती पूजा के रूप में भी मनाया जाता है। यूं तो दशहरा, रामलीला और नवरात्रि का समापन माना जाता है, लेकिन यह महापर्व दिवाली के आने का संकेत भी देता है। इस तरह त्योहारों की एक श्रृंखला बन जाती है जो साल के अंत तक चलती है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, इस पर कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।